ज्ञानिनाम गृगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वृन्दावन के वृक्षशो मरम न जाने डाल डाल अर पात पात पे राधे राधे हो राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरण में जाकी सेवा भावते मुग्ध भये श्री राम ऐसे भक्त हनुमान को सत बारंबार प्रणाम सत बारंबार प्रणाम शत बारंबार प्रणाम बोले वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी सरकार श्री सुखदेव भगवान की खाटू नरेश की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ंदित विनिंदित पीतांबरधारी बाके बिहारी शरणे बिहारी राधा दामोदर बिहारी राधा वल्लभ बिहारी की असीम अनुकंपा से आज अपने इस ग्राम नगर शहर में और बाबा की विशेष कृपा से हम सब मिलकर के भागवत भगवान के इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित हैं। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम भगवान की इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो कणकण में विराजमान मेरे राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। अखंड ब्रह्मांड नायक समस्त जगत नियंता सभी जीवों पर कृपा करने वाले मेरे खाटू नरेश के चरणों में कोटि कोटि नमन। परांबा जगत जननी माता भगवती रानी सती के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस कथा पांडाल में विराजमान मंच पर उपस्थित समस्त विद्वज्जन संगीताचार्यजन इनके हृदय में विराजमान मेरे राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। और कथा श्रवण करने आए हेतु समस्त भक्तगण सती स्वरूपा माताएं बहनें इनके हृदय में विराजमान
मेरे राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि नमन। और भागवत भगवान इस भागवत आयोजक समस्त भक्तों को, इस व्यासपीठ से समस्त भक्तजनों को बहुत बहुत सा आशीर्वाद। भोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज प्रथम चरण, आज के इस प्रथम चरण में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम सभी भाव से मिलकर के मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गोविंद को मनाएंगे, कीर्तन करेंगे और फिर आज की कथा का शुभारंभ करेंगे। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोले खाटू नरेश की। सभी लोग भाव से प्रेम से ताली सेवा करते हुए हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय हो
तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी सभी लोग प्रेम से मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, बाबा से आप भी प्रार्थना करें क्या, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, सब में निहारूं मैं निहारूं रूप सुनहरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, क्यों बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, क्यों बीत जाए जीवन सत्कार हो अतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो अतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो अतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद सा
Yeah.
दोष में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ जीवन मेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव सच्चा है इस भजन में, इस कीर्तन में भाव क्या है और वास्तविकता इस व्यक्ति को इस संसार में चाहिए और क्या चाहिए, सिर्फ इतना। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। बाबा यूं बीत जाए जीवन मेरा। भाव यही होना चाहिए। बरसों की तू क्या सोचे पल का नहीं ठिकाना। हम लोग बहुत दूर की सोचते हैं लेकिन वास्तविकता इस क्षण का भी ठिकाना नहीं। बहुत बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग कि बाबा के आगमन पर बाबा ने स्वयं बिहारी जी को बुला लिया। बाबा चाहते हैं कि जब मैं आऊं तो यहां पर ठाकुर जी के रंग में सब रंगे भक्त मिले मुझे, इसलिए बाबा अभी नहीं आएंगे, प्रतीक्षा करेंगे तब बाबा आएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं आता जरूर हूं परंतु पहले भक्त का विश्वास देखता हूं, भक्त की दृढ़ता देखता हूं, भक्त का मनोबल देखता हूं, क्या वो मेरी प्रतीक्षा कर पाएगा। इसलिए ये प्रतीक्षा के दिन है, बाबा बैठे सब देख रहे हैं, सातवें दिन बाबा आएंगे। धूमधाम से बाबा का उत्सव मनाया जाएगा और बाबा आएंगे, हमारे मध्य विराजमान होंगे। तो आप सभी तब तक, जब तक बाबा ना आए तब तक मस्ती में झूमते हुए बाबा को बुलाइए और ठाकुर जी के रंग में रंग कर। सौभाग्य का दिन है कि बाबा के इस पावन स्थान पर, बाबा के पावन स्थल पर हम सभी बैठ करके श्री बांके बिहारी की सुंदर लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। यह सबके नसीब में नहीं है, कोई बिरला ही इस आनंद को पाता है। अभी न जाने कितनों बैठे होंगे ऐसे इधर उधर, लेकिन जो भक्त होगा, जो भगवान की कथा को जानता होगा, जो सत्संग की महिमा को जानता होगा, वही इस मंच पर और इस पंडाल पर बैठ सकता है, अन्यत्र और कोई नहीं। जो इस रस के चस्के को जानता होगा वही बैठेगा, जिसको प्यास लगी होगी वही बैठेगा। राजर्षि परीक्षित को प्यास लगी थी अपने जीवन को सुधारने के लिए, पिपासु होकर के बैठे सुखदेव जी ने प्यास बुझाई, कथा श्रवण कराई, प्रेम से भाव से कथा श्रवण की और अपने जीवन को उन्होंने कृतार्थ किया। इसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि जब भागवती गंगा वृंदावन से चल करके आपके नगर स्थान पर आई है तो हमारा भी भाव यह बनता है, लक्ष्य बनता है
किस क्षण को हम गंवाए नहीं, एक एक क्षण आपका कीमती। क्योंकि ये तो सब भगवत कृपा से प्राप्त होता है, उसकी रहमतों से मिलता है। किसी भक्त ने बहुत सुंदर भाव दिया है कि बाबा तुम्हारी कृपा और तुम्हारी रहमत भक्तों पर बरसती है। हम जानते हैं कि जो आप पर अटूट विश्वास करता है आप उसकी झोली भरते हैं, क्योंकि आपका तो नाम है क्या, हरे का सहारा श्याम हमारा। आप तो हारते हुए के सहारे हैं, और जो भी आपको प्रेम से पुकारता है, भाव से पुकारता है, आप उसके सामने प्रकट होते हैं, आप उसकी रक्षा करते हैं। तो किसी भक्त ने बहुत सुंदर भाव दिया है, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना। ये कृपा है बाबा की, और बाबा से यही प्रार्थना करना है क्या, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा। कहेंगे आप बाबा से, सभी लोग आए, इतनी कृपा, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, दम तक सेवा में लगाए हरि दी मैंने इस जी आज तुम्हारे हाथ बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगा।
दिन ये सिलसिला बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए हरि हे बाबा, तेरे आने पर हम पलके बिछाए बैठे हैं, तेरे आने पर हम पलके बिछाए बैठे हैं। अरे बाबा, एक नजर तो डाल, हम घर जलाए बैठे हैं। हरि बोल। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, टूट जाए सांसों की लड़ियां तार कभी ना टूटे, भक्तों को तुम गोदी में बिठाए रखना, भक्तों को तुम गोदी में बिठाए रखना, हर मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ऐसे नहीं, किसी ने कहा है, बोलने को दी जुबां मगर तू बोलता नहीं, बोलने को दी जुबां मगर तू बोलता नहीं, लेने को हर नाम मुख को खोलता नहीं, आज का न बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, इसलिए बोलिए। सभी लोग हाथ उठा करके ताली से मगर सभी लोग Thank you.
राधे 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 भाव ही सबसे बड़ी पूजा है। आप कितना भी पूजा कर लें, कितना भी ध्यान लगा लें, कितना भी योग करें और कितना भी दान करें, लेकिन अगर आपका भाव अच्छा नहीं है, भाव सच्चा नहीं है, तो जैसे राख में किया गया हवन, सब व्यर्थ है। भाव की प्रधानता है। ठाकुर जी कहते हैं, भाव काहूं भूखा मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे जो, भाव से बिना पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल दो तो मुझे स्वीकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। भगवान कहते मुझे भाव चाहिए, मेरे भक्त के अंदर भाव कैसा है, उसका अगर भाव सच्चा है तो मेरी पूजा हो गई। कई लोगों ने मन बनाया होगा कि हम भागवत सुनने जा रहे हैं। भागवत सुनने तो घर से तो आ गए, लेकिन यहाँ एक खंभे का सहारा लिया और बढ़िया चम करके नींद ले रहे हैं। ऐसा भागवत सुनना नहीं होता है। बहुत से लोग आते हैं कथा में तो एक खंभा ढूंढते हैं, हमें ओट मिल जाए, पीठ का सहारा। कहीं पूछो, महाराज आप सो क्यों रहे हो? क्या करें, घर में इतनी परेशानियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तंग करते हैं, वहाँ नींद आती नहीं है, और तो और क्या, रात में खूब नींद की गोली लेते हैं, नींद आती ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कथा में आ गए, थोड़ी सी कथा सुनी, क्या गजब की नींद आई, जीवन में आज तक नींद ही नहीं आई। तो ठाकुर जी सब करते हैं, सब देते हैं, जो जिसको जो चाहिए वो देते हैं। बहुत से लोग भगवान की कथा सुनने आते हैं तो उनको कथा मिलती है,
बहुत से लोग भगवान के स्वरूप का दर्शन करने आते हैं, उन्हें वो मिलता है। बहुत से लोग सोने भी आते हैं, उनको नींद भी मिलती है। और बहुत से लोग जूते चप्पल चुराने भी आते हैं, वो भी मिलता है। आजकल तो ये स्थिति है, मंदिर में जाना भैया सोच समझ के जाते हैं, भैया जो पुराने से पुरानी चप्पल हो उनको निकाल के दो। बिहारी जी में हम देखते हैं, अगर चोर चतुर है तो भक्त भी चतुर है। बहुत से लोग बढ़िया अच्छी अच्छी चप्पलें पहन करके गए, क्या करें भैया चप्पल चोरी हो जाएंगी। तो दाएं की तरफ चप्पल, दूसरी तरफ बाएं की दूसरी तरफ छुपा करके रख देंगे ताकि चोर पाए ना। अरे भैया एक चप्पल लेके थोड़ी ना जाएगा, वो तो दोनों लेके जाएगा। और जब दोनों एक साथ जोड़े मिलेंगे तब तो लेके जाएगा, एक कहीं और रखी है कहीं और रखी। तो जो जैसा भाव बना करके आता है उसे वैसा ही मिलता है। हमारा भाव कैसा होना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, एकमात्र ठाकुर जी की सेवा चाहिए, बस यही सबसे बड़ा सार है। अभी भगवान आ जाए उतर करके बोले भक्त मांग लो क्या चाहिए, बड़ा भारी ठर्रा बना करके खड़े हो जाएंगे, हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए हमें। अरे ना कुछ संसार की वस्तुएं मत मांगिए, ठाकुर जी से मांगिए तो ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा, यही सबसे बड़ा सार है। क्योंकि ठाकुर अपना हो गया तो सब कुछ अपना हो गया, फिर कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं। संतों में, महात्माओं में, ब्राह्मणों में यही एक भाव होता है। वो ब्राह्मण संत महात्मा रईसों के घर नहीं भटकते हैं, वो तो ठाकुर जी के दर पे भटकते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि हमें क्या देंगे, ये तो स्वयं ठाकुर जी से मांग रहे हैं। अरे हम उनके पास चले जो सबको देने वाला है। पैसे वाले तो एक बार ठुकरा देंगे, लेकिन ठाकुर कभी किसी को ठुकराता नहीं है, वो सबको अपनाता है। लायक हो चाहे ना लायक हो, वो कहता सब मेरे। तो हम जब भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें सब प्राप्त होता है। यह कथा है, इस कथा से आप सच्ची श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से कुछ भी मांगेंगे आपको मिलेगा, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। मन में कपट, मन में द्वेष, मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं क्या, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, सो मोहि पावा। कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न। मेरा भक्त कैसा होना चाहिए, जैसा कोरा कागज, कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। इसी प्रकार मेरा भक्त होना चाहिए, उसके भक्त, उस भक्त के हृदय में कपट नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम समर्पण भाव होना चाहिए। वो भक्त मुझे पसंद है, तो क्या हम ठाकुर जी के लिए ऐसा नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। जैसे आप सभी बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा के अंतर्गत
इसी प्रकार नैमिषारण्य क्षेत्र में नैमिषारण्य तीर्थ पे 88,000 सोनकाद ऋषि विराजमान थे। यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ 12 स्कंध 335 अध्याय और 18,000 श्लोक से निर्मित यह सुंदर ग्रंथ है। यह इस ग्रंथ की परंपरा स्वयं श्री हरि नारायण से हुई है। इसी प्रकार कथा श्रवण करने की इच्छा से 88,000 सोनकाद ऋषि ये महात्मा बैठे थे नैमिषारण्य तीर्थ पे। अब इतने प्रबुद्ध श्रोता कि जब कोई वक्ता नहीं होता था तो एक दूसरे को ही वक्ता बना करके कथा सुनते थे। कोई अन्य वक्ता बन जाए, श्रोता बन के कथा श्रवण करते, फिर उनको बिठाते, फिर कोई दूसरा वक्ता बनता, फिर कथा सुनते। ऐसे ही उनकी दिनचर्या चल रही थी। तो कुछ ही समय बाद उनके समक्ष सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये वेदव्यास जी के परम शिष्य हैं। बोलिए सूत जी महाराज की जय। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे, ऋषियों ने देखा, भाव में भर गए और साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया, सुंदर व्यास मंच बनाया और सूत जी उस व्यास मंच पर आसीन हो गए। सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। सोनकाद ऋषियों ने सूत जी का सुंदर पूजन किया और एक ही प्रश्न किया, क्या? अज्ञानत्वान्त विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनम। ये यहां प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन भागवत की श्रृंखला में सुखदेव जी ने सुंदर एक श्लोक के माध्यम से सुंदर एक भगवान का सुंदर स्तुति की, सुंदर वर्णन किया कि भगवान का स्वरूप, भगवान का कार्य कैसा है। आज सोनकाद ऋषियों को सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। क्या, कौन सा श्लोक? आज की जो हम कथा श्रवण करेंगे, आज की कथा में हम महात्म की कथा श्रवण करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। महात्म किसे कहते हैं? महिमा को, भूमिका को महात्म कहते हैं। किसी कथा को सुनने से पहले उसकी महिमा को सुन लेना चाहिए। किस कथा को सुनने से हमें मिलेगा क्या? इस कथा को हम सुने कैसे? इस कथा को किन किन भक्तों ने श्रवण किया है, उसको क्या मिला है? यही महिमा है। और भागवत कथा के अंतर्गत 6 अध्यायों में ये महात्म की कथा है जो पद्म पुराण के अंतर्गत ली गई है। प्रथम श्लोक आज वेदव्यास जी, इधर सुखदेव जी भी गुनगुना रहे हैं। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत कथा के महात्म का 6 अध्यायों में जो महात्म है उसका प्रथम श्लोक है। सुंदर श्लोक में भगवान का वर्णन किया। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद स्वरूप। भगवान का एक स्वरूप सत्य स्वरूप है। भगवान का एक स्वरूप चित स्वरूप है। भगवान का एक स्वरूप आनंद स्वरूप है। कैसा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि।